हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं फिश केयर रिवाज। जैसा कि मैं एक्वेरियम की नई जानकारी के साथ आता रहता हूं, तो आज भी एक जानकारी के साथ आया हूं और उसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और दिखाता हूं। जो है टॉप फिल्टर है, आरएस का है। चलिए उसका मॉडल आपको बताता हूं और कितने साइज में एक्वेरियम में वो वर्क करता है। चलिए शुरू करते हैं, ऐसे अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड, ये है आरएस का एक्वेरियम फिल्टर है, ये 3-in-1 है और इसको चलिए अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये 15 वाट का है और आरएस 203B मॉडल नंबर है और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें प्रोडक्ट के कौन कौन सा सामान निकलते हैं। ये पहला है आपका, ये पावर हेड है। इसका पॉलीथीन से अलग कर देता हूँ अपना। ये पावर हेड है, ये आप देख पा रहे होंगे, 203B 220-240 वोल्ट में चलता है और 15 वाट का है और एक घंटे में 1200 लीटर का फिल्ट्रेशन करता है। और चलिए मैं इसको बताता हूँ। और इस टॉप फिल्टर के बॉक्स में और क्या निकलता है इसको भी देखता हूँ। ये बॉक्स को साइड में रख देता हूँ, अब इससे निकाल लिया हूँ और ऐसे स्विच और एक कार्डबोर्ड निकले और इसको ही पॉलीथीन से बाहर कर देता हूँ। ये है टॉप फिल्टर, इसको टॉप फिल्टर बोलते हैं। इसका टेपिंग निकाल देता हूँ। ये ऊपर का कवर है जो ऐसे बंद होता है, पहले तो उल्टा होके आता है लेकिन फिर ऐसे बंद होता है। ये देखिए, और ये पाइप निकल रही है और एक ये होल्डर निकल रहा है जो मोटर के नीचे लगेगा और इसकी जाली निकल रही है जो नीचे से पानी खींचेगा। और ये एकदम ये फिल्टर अच्छा होने वाला है और जिसका हेड होते हैं, छोटे हेड होते हैं, जाली लगी रहती है, इसमें थोड़ा सा स्टैंड बढ़ाने के लिए भी है। ये पाइप निकल रही है, इसको भी साइड में रख लेते हैं। सो कैसे सेट करना है मैं बता दूंगा। ये लॉन्ग करने के लिए पाइप है, एडजस्टिंग होता है, आप दोनों पाइप लगाना हो तो दोनों पाइप लगा सकते हैं। और एक ये पाइप निकल रही है जो एयर पास करेगा, जो फिल्टर के मतलब जो एक्वेरियम पंप है मतलब इसका, उस पर लगेगा। और इसके अंदर देखिए एक जाली लगी हुई है, ये देखें, इसको साइड में रख देता हूँ, एक एक करके आपको बताता हूँ। ये देखें, ये पूरा खाली बॉक्स है और इसके अंदर ये एक जाली टाइप में है जो इस जो ये वाला बॉर्डर है ना, यहाँ तक ये रुकता है और नीचे का पूरा गैप रहता है। ये इसलिए होता है कभी ओवरफ्लो ना हो उसके लिए लगाया जाता है। इसको साइड में रख देता हूँ और इसके अंदर एक पाइप लगेगी, उस पाइप को देख लेता हूँ कौन सी लगने वाली है। ये पाइप है, इसको ऐसे लगा देते हैं। ये देखिए, ये नोजल निकल आया ना, इसको आप फिर भी कुछ चिपका भी सकते हैं और नहीं चिपकाना तो ये ऐसे ढीला रहेगा, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। इसके ऊपर से ये जाली लगा देंगे, ये ढीला नहीं रहेगा। ये देखें, ज़्यादा प्रेस में ऊपर नहीं जाएगा। इसमें पैड लगाया जाता है, जो टॉप फिल्टर के लिए पैड आता है, मोल्डेड एक्वेरियम के लिए पैड आता है, उसके लिए होता है। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं, इसमें और भी देखते हैं कौन कौन सी पाइपें लगने वाली हैं। अब इसको पहले हेड में सेट कर लेते हैं, एयर पाइप। एयर पाइप को सेट करने के लिए यहाँ पर सेट करना है, एयर पाइप को सेट कर लेते हैं। ये सेट हो गई। ये वाली पाइप का क्या है, बाहर करके रखना है, ये एक्वेरियम के बाहर रहेगी तो इससे ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब ये जब पानी फेंकेगा ना तो इससे फोर्स में एयर भी देने लगेगा। और ये वाला जो नोजल है साइड वाला, ये टॉप फिल्टर में जाएगा। इसको भी सेट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले इसके नीचे जो पाइप लगने वाली है ना, उसको सेट करता हूँ। का ये हो गई जाली होगी नीचे की, ये दोनों ऐसे सेट हो जाएंगे, तो सेट कर लेते हैं।
ये अच्छे से सेट हो गई, ये देखिए बढ़िया सेट हो गई। अब इसको भी साइड में रखते हैं। सबसे पहले अपना काम है इसकी जो लेंथ के लिए जो पाइप आई है उसको सेट करना। इसको पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। आप देखिए बने रहिएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा। क्या ये RS का बहुत ही अच्छा फिल्टर है, ये देखिए इसमें एक वाशर लगा हुआ है बीच में, निकाल के दिखाता हूँ। ये यहाँ पर एक रबर का ये वाशर लगा हुआ है तो बहुत अच्छी फिटिंग दे रहा है। ये प्रेस कर दिया आपने, ये अब किसी का एक्वेरियम हाइट में नहीं है तो इसको लगा दें बस, और इस पाइप की लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी हाइट में अच्छा हाइट में एक्वेरियम है ना, तो इसको एडजस्टिंग के लिए पाइप होती है, कितना भी लंबा कर लो तो उसके बाद आप ये वाली पाइप जाली लगा दो नीचे की। अब कितना लंबा हो गया मैं कैमरा में दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए कितना लंबा हो गया। लेकिन अगर जिसका हाइट नहीं है एक्वेरियम तो उसको ये दोनों पाइप को आप हटा सकते हो। इसको मैं हटा ही देता हूँ, क्या मेरे एक्वेरियम की इतनी हाइट नहीं है तो बताने में भी बहुत इजी होगा। इसको साइड में रख देता हूँ, ये देखिए इसको सेट करना है थोड़ा सा, ये सेट हो गया। अब देखिए ये छोटी सी पाइप हो गई और इसको भी एडजस्ट करना है। ये भी यहाँ पर पुश करेंगे ना, यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर गौर से ये देखिए ये और छोटी हो गई है ना, और ये फिर पूरा निकल जाता है। लेकिन ये अभी निकल रहा है, बाद में नहीं निकलेगा, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे इसको। उपाय तो ये होता है, पहले ये हेड में आपको समझ में आ रहा होगा मेरा, ये पहले इसको अच्छे से लगा दीजिए और इसकी हाइट को फुल कर लेता हूँ ना, ये इतनी लंबाई से ऐसे लगेगा पंप, ऐसे पंप लगेगा। अब इसको छोटा कर देते हैं, देखिए ये लास्ट हो गया। अब ज़्यादा लेंथ नहीं है पाइप का, और किसी का 1 फीट ऊंचा है तो उसमें भी लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से पानी मतलब नीचे का जो डस्ट है ना, यहाँ से खींच के ये सप्लाई करेगा टॉप फिल्टर में, टॉप फिल्टर में सप्लाई करेगा। यहाँ से इसमें पाइप लगेगी ब्लू वाली, जो ये पाइप रखी हुई है ना ये लगेगी। चलिए इसको भी लगा देते हैं ना, ये ब्लू की पाइप है जो यहाँ पर लगा देते हैं, ये देखिए। इसको 3-in-1 क्यों बोलते हैं ये भी बता देता हूँ। अब इसमें इसके बॉक्स में लिखा हो 3-in-1, 3-in-1 हो गया। यहाँ से आपका एयर दे दिया, एयर दे दिया, और दूसरा हो गया यहाँ से टॉप फिल्टर के लिए पानी चला गया, और ये हो गया हेड के लिए, मतलब इसकी जो हाइट के हिसाब से लेंथ बढ़ जाता है पाइप की, तो नीचे से डस्ट खींचता है और लुक वाइज एकदम मोल्डेड टैंक जैसा हो जाता है। तो इसको लगा दिया अपन ने, ये मैं अभी सिंपली आपको बताना चाह रहा हूँ। एक ये नोजल है, ये भी पाइप लगेगी ब्लू वाली, इसमें पाइप लगेगी, इसको भी लगा देता हूँ अच्छे से, ये देखिए लग गई। और इसको लॉक करना है, इस पर लॉक करना है, इस पर टॉप फिल्टर में, ये टॉप फिल्टर में लॉक कर देते हैं इसको। थोड़ा नॉइस आ रही होगी दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, नॉइस यहाँ पर आती रहती है, कितना भी साइलेंट करके वीडियो बनाते हैं तब भी इसमें नॉइस आती रहती है। ये वाला कवर इसमें लगा दिया आपने, इसमें टॉप फिल्टर डाल के मतलब पैड डाल के इसको कवर को लगा के इसको हैंग करना पड़ता है। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से। अब ये दोस्तों ये रेडी हो चुका है, ये टॉप फिल्टर और इसका हेड। हेड देखिए कितना खूबसूरत है, फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा RS ने बनाया है। इतना अच्छा अदर कंपनी में नहीं आता है, जैसे कि सोबो में, सोबो का जो होता है ना टॉप फिल्टर उस पर भी नहीं होता है, ये RS में ही है। इसको मैं यहाँ पर ऊपर सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देखिएगा ये सेट हो गया। अब ये वायर है, प्लग करना है आपको, इसको प्लग करना है। इसको मैं अभी थोड़े साइड में रख देता हूँ, या मैं पानी में डिप करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको,
है ना। तो अब ये टॉप फिल्टर, ये टॉप को किसी भी एक्वेरियम के ऊपर रख देना है। अभी मैं उल्टा पकड़ रहा हूँ, अब यही है ना, यहाँ पर ये थोड़े से धोखे हो जाते हैं। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, ऐसे लगता है। ये सही तरीका है, ये ऐसा है। ये देखिए इस टाइम में एक्वेरियम में लगेगा, और ये हेड है, और ये हेड को ऐसे लगाएंगे ताकि ये बस इसका जो पानी गिरे एकदम सामने हो, तो उससे ऑक्सीजन अच्छा बनता है और रोटेट अच्छा होता है, पूरा डस्ट खींचता है, बहुत ही अच्छे से होता है। थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, तो बने रहिएगा अंतिम तक, मैं पूरा एकदम पूरा समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अभी ये हेड सामने है, और ये टॉप फिल्टर, ये देखिए ये ऐसे लगेगा। आपको एक्वेरियम में भी ऐसे लगाना होगा, जो सिंपल कांच वाले एक्वेरियम है ना, तो उसमें भी आपको ऐसे ही लगाना होगा। उसमें कांच वाले एक्वेरियम में एक बेस के लिए ऊपर से ग्लास लगाना पड़ता है, उसके बाद इसको हैंग कर सकते हैं और इसको पानी में डिप करके आप लगा सकते हैं दोस्तों। और ये टॉप फिल्टर आपका बहुत स्मॉल साइज का है, क्या है ये 15 वाट का हेड है, तो ये 15 वाट का हेड है, तो ये आपका छोटे टैंक में अच्छा वर्क करेगा। इससे बड़े भी आते हैं, उसकी भी आगे चल के अनबॉक्सिंग कर दूंगा, बता दूंगा आपको। और ये कम से कम आपके 2 फिट के टैंक में बढ़िया काम करेगा, और ये आप 2 फिट के टैंक में लगा सकते हो। क्या है, बहुत से ऐसे फिल्टर आते हैं बहुत से कंपनी में, जो 2 फिट के टैंक में टॉप फिल्टर नहीं लगा पाते हैं, उसे फोर्स तेज होता है और उसका टॉप जो होता है ना बड़ा होता है। तो ये टॉप छोटा है, आप इसको लगा सकते हो, मैनेज हो सकता है, ये लग जाएगा 2 फिट के टैंक में। आप 1.5 में भी लगाना चाहोगे तो 1.5 फिट में भी लग जाएगा, और लगाने को तो आप 3 फिट में भी लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए ये हेड बहुत छोटा पड़ेगा, इसलिए आप उसको 3 फिट में ना लगाएं। 3 फिट के लिए और बड़े टॉप फिल्टर आते हैं, उसको लगा सकते हैं। और सभी का सिस्टम एक ही जैसा होता है लगाने का और हेड की सेटिंग करने का, बस ये हाइट में आप ये जो पाइप मैंने बताया था एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ाने के लिए पाइप होती हैं, आप 1, 2, 3 पाइप लगा सकते हो जितनी हाइट है उसके हिसाब से। और टॉप फिल्टर बहुत ही बेस्ट होता है, और ये RS का जो टॉप फिल्टर है ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। अब जैसे ये मोल्डेड टैंक में जैसे पाइप होती है ना, इसमें भी पाइप आती है RS का, ये RS का टॉप फिल्टर है, बहुत बढ़िया कर दिया RS ने, इसके कारण बहुत कस्टमर को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है इस टॉप फिल्टर में दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल करके जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लाता हूँ, बहुत मेहनत पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल कर लें। और चलिए आज का ब्लॉग बस इतनी ही है, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। ओके बाय दोस्तों।